नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट में। दोस्तों, आज के पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद एक लास्ट में आपको कल के मार्केटिंग का ट्रिप बताएंगे, बहुत अच्छा सा एक ऐसा ट्रिक्स बताएंगे। दूसरा कि आज की मार्केट का ऊंचा और नीचा बढ़ने या घटने का आपको एक रीज़न भी, एक सॉलिड रीज़न बताएंगे। हम स्टॉक एनालिसिस जैसे बहुत डीप और बहुत टेक्निकल वे में नहीं, बहुत सिंपल और बहुत ईजिएस्ट वे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे उम्मीद था, तीन दिन के बढ़ने के बाद आज जो निफ्टी है 19,406 पॉइंट में ही जबरदस्त उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट लिया। और जो टाइम डी क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा था उसके ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि जो भी कॉल राइटर और पुट राइटर है वो टाइम डी का प्रीमियम खाना चाहते हैं। तो उनको मालूम है तीन दिन के बाद ये अवश्यम भाव ये था कि ये टाइम डी होते हुए ये 406 मतलब कि 5 पॉइंट का निगेटिव पॉइंट में ये स्टॉप हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिया आया, 118 पॉइंट बढ़ा और 43,737 में ये उन्होंने थोड़ा सा आउट फॉर्म दिखाया। तो ये हो गया आपका मार्केट रिपोर्ट। अब आ जाते हैं गेनर और लूजर। मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ कि छोटे स्टॉक की हम बात नहीं करते, क्योंकि ये जो प्राइम इंडेक्स निफ्टी 50 ये पूरे मार्केट का एक हार्ट बीट आपको बताता है। गेनर में आपका सन फार्मा 1.8% आया, BPCL 1.79 और NTPC 1.4। अब लूज़र की बात करें तो हीरो मोटर 1.6 पॉइंट निगेटिव आया, बजाज फाइनेंस जो अभी करेंट मार्केट का हीरो है वो 0.8% और ये आपका कोल इंडिया 0.7। दोस्तों, गेनर और लूज़र जब इसकी बात करते हैं तो इसमें एक बहुत सारा छुपा हुआ रहस्य आपको मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी देखिएगा, अगर गेनर में हर सेक्टर के अलग अलग है सेक्टर वाइज, जैसे मान लीजिए एक सेक्टर का अगर कोई अच्छा बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक सेक्टर का है तो ये मान के चल के वो सेक्टर में बहुत आउट फॉर्म चल रहा है और उस सेक्टर में आपको बहुत अच्छे से जल्दी से इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर लेना चाहिए। लेकिन जब देखिए सन फार्मा ये फार्मा का है, BPCL ऑयल का है और NTPC जो है वो आपका एक जनरल इलेक्ट्रिकल का है। तो चूंकि ये तीनों का ट्रेंड अलग है इसलिए मार्केट क्या है ना, मिक्स है, वो किसी भी सेक्टर में बुलिश नहीं है, ये क्लियर मार्केट है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड एकदम फ्लैट होने वाला है। लूजर की बात करें, देखिए हीरो होंडा आपका ये व्हीकल की गाड़ी है, बजाज फाइनेंस फाइनेंस की गाड़ी है और ये आपका कोल इंडिया एक कोयला की गाड़ी, ये भी लगभग लगभग मिक्स है। तो जहाँ पर मिक्स सेक्टर वाइज आपको मिलेंगे टॉप और गेनर में, तो ये आप मान के चले कि ये मिक्स हो रहा है। अगर इसी में आगे एक चीज़ और देख लीजिए, एडवांस रेशियो, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो 30 जो शेयर है आपके बड़े हैं और 20 शेयर निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा होल मार्केट, अगर मान लीजिए 50 शेयर में 10 और 40 का रेशियो रहता तो ये मान के चले कि वो ट्रेंड में, अब ये लगभग लगभग बराबर में है, इसलिए मोटा मोटा मान के चले कि आगे बढ़ना और कम हो रहा है। तो ये एक लूज़र और गेनर में एक आप निकाल सकते हैं, आइडिया निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन। तो क्या होता है कि ऑप्शन चेन में दोस्तों सबसे इजी मैं आपको बता रहा हूँ कि 19,400 में इन्होंने क्या किया है, टोटल एक सपोर्ट लिया है। तो अगर आफ्टर चेन की बात करें तो 19,300 में एकदम ज़बरदस्त सपोर्ट लिया है और आपको 19,500 19,600 में और ज़बरदस्त आपका कॉल रेजिस्टेंस वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अगर कल भी आपको बता रहा हूँ, कल भी अगर वो 400 को होल्ड करता है तो ये मान के चलो कि ये 19,600 में आराम से जाएगा। क्या होता है जब बहुत छलांग लगानी पड़ती है आगे, तो आपको हमेशा एक या दो दिन वहाँ पर आपको ब्रेथ लेना पड़ेगा, वहाँ पर सांस लेना पड़ता है, इसलिए ये 19,400 और 300 के बीच में घूमेगा। अब क्या करना है, अब इसका क्या मतलब है, मुझे अगर बाई लेना है तो आराम से आप 19,500 जब जबरदस्त रेजिस्टेंस होता है साइकोलॉजिक लेवल में, 19,500 जैसे क्रॉस हुआ आंख बंद करके आप, मैं आपको पहले नियम मेरे पहले वीडियो में देख लीजिएगा कि आपको अगर फ्रेशर हैं
नए हैं तो आपको 10,000 रुपये 3 महीने के लिए निकाल देना है और इसको 3 महीने बचा के रखना, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बचा के रखो। बचा के रख दिया मतलब ऑप्शन क्या, आप मास्टर बनने वाले कमाएंगे फिर। तो उसमें से 19,500 ये जो पॉइंट्स को आप खेलना सीखिए, देखिए 19,000 जैसे ब्रेक किया आप बाई ले लीजिए 19,500, तो 500 का जो चेकआउट है ये आपका बाई में, तो 19,500 में आप लेंगे, जैसे ब्रेक करेगा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 19,400 में आपका पूरा जो है प्रीमियम कर जाएगा। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 43,600 और 44,500। 43,000 में लगभग अभी जो बैंक निफ्टी का लेवल है सिर्फ 43,600 में, तो 43,700 का इसका सॉरी इसका ये है। तो अभी जो 700, 800, 900 और ये 44,000 ये जो होता है ना फिगर, ये प्रीमियम डीके का होता है। अब क्या करना चाहिए, इसका जो सबसे है 43,600 का इसका सपोर्ट है दोस्तों, मतलब कि 43,600-500, इससे 43,500 के नीचे आया आप आराम से पुट ले सकते हैं। लेकिन आपको कॉल कब लेना है, जब ये कम से कम 44,000 क्रॉस करे तभी आपको लेना है। जैसे 44,000 में क्रॉस करेगा ये आपका सर पर भागेगा, मेजर रेजिस्टेंस 44,500 तक ये आपको आंख बंद करके भागेगा। अगर 43,500 से नीचे आ जाए वहाँ पर एक दिन ट्रेड करता है तो आप बाई कीजिए, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना है, आपका पैसा 1 रुपया नहीं बनेगा, ये डूबने का सबसे बड़ा कारण। अब ग्लोबल ट्रेंड में है तो डाउ जेंस लगभग फ्लैट चल रहा है, 90 पॉइंट नीचे है, नैसडैक भी लगभग 0.11% जो है वो फ्लैट चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव और बहुत पॉजिटिव, इसका यही एक मतलब निकलता है कि कल भी मार्केट जो है वो एकदम ट्रेंडी होगा, सॉरी फ्लैट रहेगा। इस मार्केट रिपोर्ट में आज जो सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा था कि आज मार्केट में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके कारण कि लोग बहुत है ना कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपको एक्चुअल रीजन बताएगा मार्केट का क्या चल रहा है। आज वोल्टास से खबर आई कि टाटा वोल्टास को बेचना चाहता है, वोल्टास जो है उसको एयर कंडीशन वगैरह बनाती है, बहुत धांसू कंपनी टाटा का। कंपटीशन के चलते एक ब्लूमबर्ग ने इन्होंने एक रिपोर्ट फ्लैश किया कि भाई ये एक बोर्ड इसका विचार कर सकता है कि हमको ये जो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल जो मटेरियल है इसको जो बेचने का, इस कंपनी को बेचने का बात है। जैसे बेच गया इन्होंने 4% का नीचे टैंक लगा दिया। नेचुरली जैसे टाटा जैसी कंपनी अगर मान लीजिए मार्केट को सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब क्या करना है, देखिए वोल्टास बेचता है कि नहीं बेचता, वोल्टास अगर मान लीजिए ये रीजन फ्लैश हुआ है तो मार्केट डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ मान लीजिए कल सैटरडे तक मार्केट देखिए जैसे जितने कम में मिलेगा, तो ये डायमंड है, ये डायमंड शेयर है, इसको मोल भाव नहीं किया जाता, जो रेट है वही सबसे सस्ता है, जैसा सोना है ना जो रेट है ना वही सबसे सस्ता है। 10 साल पहले सोना का जो रेट था आज वो नहीं मिलेगा, आज जो वोल्टास जो रेट 10 साल बाद नहीं मिलेगा। तो अब मान लीजिए कल का क्या टिप्स है, लास्ट में कल का टिप्स सिंपल, पहला जो स्टॉक शेयर जो खरीदना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले गूगल में जाइए, गूगल में जाके बोलिए कि 52 वीक का ब्रेकआउट शेयर कौन है। ब्रेकआउट शेयर जो 52 वीक का, इसके मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, ब्रेकआउट शेयर जिसने ने पिछले 52 हफ्तों का हाई को ब्रेक कर दिया उसको मंडे तक वेट करिए, मंडे तक से कल तक वेट करिए। अगर वो उस दिन में ट्रेंड करता है उसको ब्रेक को तोड़ता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि टॉप 50 शेयर। अगर मान लीजिए सेम ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो ऑप्शन ट्रेडर हैं तो उसको मैं आपको पहले बताऊं कि ये ट्रेंडी है, ये प्रीमियम गलेगा इस मार्केट में। आपको सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 19,300 से नीचे जाएगा तो पुट खरीदना है, 19,500 से ऊपर जाएगा तो बाई खरीदना है, इस बीच में मार्केट आपको 1 रुपया कमाने नहीं देगा, मैं बाई की बात कर रहा हूँ। और सेल जो करते हैं तो नेचुरली आपको अगर मान लीजिए सेल करना है तो 19,500 आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट उतने जल्दी तोड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 19,600 में आपको रखना पड़ेगा।
और अगर आप पुट की बाई करते हैं तो आपको 19,300 में, चूँकि मैक्सिमम लेवल कहता है तो आपको 19,200 में रखना पड़ेगा, इसको कॉल पुट को आपको राइट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, वैसे आपकी इच्छा। थैंक यू, नमस्कार।